महाराष्ट्र के नासिक से एक बड़ी खबर आ रही है। सुराना ज्वेलर्स पर आयकर विभाग इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब तक 26 करोड़ कैश बरामद हो चुके हैं। 90 करोड़ रुपयों की संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स भी मौके से जब्त किए गए हैं। तो इनकम टैक्स विभाग के पास जाहिर तौर पर लंबे वक्त से इस तरह की गड़बड़ियों की इनपुट्स और उसके आधार पर ये जो बंडल्स हम आपको दिखा रहे हैं, नोटों के बंडल हैं। सुराना ज्वेलर्स पर सुबह सुबह ही टीम धमक गई, दस्तावेज खंगाले गए तो कई सारी चीजें सामने आ गई। 26 करोड़ से अधिक का कैश जब्ती मौके से हुआ। इसके अलावा प्रॉपर्टीज के कई कागजात मौके से जब्त किए गए। ये जो वाहन आप देख रहे हैं, इनकम टैक्स विभाग की पूरी टीम के वाहन, शटर को आधा गिरा दिया गया और अंदर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। 26 करोड़ कैश अब तक बरामद हो चुके हैं, बैगों में नोट भरे हुए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या अपडेट्स आपके पास और सुराना ज्वेलर्स को लेकर इनकम टैक्स विभाग की ये बड़ी कार्रवाई, क्या पहले से खुफिया इनपुट आईटी के पास? बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से सुराना ज्वेलर्स लगातार अनअकाउंटेड मनी पर काम कर रहा था और जिस तरीके के कैश फ्लो उसके पास देखे जा रहे थे, पहले से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता से भनक लगी थी और उसके बाद वो कई दिनों से ट्रैप कर रहा था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि अब इस पर शिकंजा कसा जा सकता है, तो उन्होंने एक बड़ी रेट थी जिसमें 30 करोड़ के आसपास उन्होंने देखा कि ये कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, जबकि इतनी बड़ी संख्या में कैश में ट्रांजेक्शन संभव नहीं है। कहीं ना कहीं ये किसी के पैसे को ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश या सोने में लगाने की कोशिश है। और किस तरीके से साथ ही साथ 90 करोड़ की अनअकाउंटेड वेल्थ भी उससे जुड़े डॉक्यूमेंट भी मिले हैं, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है और फिलहाल इस पूरे मामले में आगे की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। क्या ये जांच अभी भी जारी है और सुराना ज्वेलर्स, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, किस स्तर तक का इनका बिजनेस है, ब्रांचेस है, क्या और जगहों पर भी इस तरह की कार्रवाई की खबर आ रही है क्या? बिल्कुल, सुराना ज्वेलर्स एक चैन ज्वेलरी कंपनी है और अब जब नासिक में इस तरीके की रेड हुई है तो उससे जुड़े तमाम सारे दूसरी जगह जहाँ है उन सभी जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है और उससे जुड़े आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कि आखिर सिर्फ एक ही जगह इस तरीके से है या फिर और जगहों पर है और इतनी ज्यादा संख्या में कैश लेने की वजह क्या है, क्या ये सही में कैश फ्लो किया है या फिर किसी की संपत्ति को या किसी की बेनामी संपत्ति को इस तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश की है, इस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अभिषेक।